नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर। तो आज हम यूपी ट्रिपल से संबंधित जो विभिन्न एग्जाम्स हैं या जो डीबी कौन सी होने वाली है या कौन सी वैकेंसी आने वाली है या कौन से परिणाम आने वाले हैं उनके बारे में जो आपको थंबनेल में लिखा हुआ है, इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों को अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के वीडियो को। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग के बारे में। देखिए 1262 की टाइपिंग कब होने वाली है। देखिए कमेंट में एक दो लोगों ने लिखा था कि 1262 की टाइपिंग कब होने वाली है, तो देखिए इसकी टाइपिंग आप लोग अच्छे से करते रहिए। अभी कुछ लोग अगर नहीं तैयार कर पाए हैं तो आप अभी भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसकी टाइपिंग आपकी जुलाई माह में, जुलाई से पहले कोई चांस नहीं है अभी इसका टाइपिंग होने का। ठीक है, जुलाई माह में इसकी टाइपिंग लगेगी आपकी, स्किल टेस्ट जो कि है लोग जो कि लगभग आपके एक महीना से ज्यादा चलेगा क्योंकि देखिए 15,000 स्टूडेंट्स इसमें हैं। ठीक है, तो टाइपिंग आपकी जुलाई में लगेगी, तो अगर अभी भी नहीं सीखे हैं आप तो आप जल्दी जल्दी सीख लीजिए जो भी मित्र नहीं सीख पाए हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट में कि वीडियो का परिणाम कब आ सकता है, वीडियो 18 का परिणाम कब आएगा जो कि अंतिम परिणाम होगा। आपको पता होगा कि 29 अप्रैल से लेकर 17 मई तक वीडियो का डीबी हुआ है, तो इसका परिणाम कब आ सकता है इसके बारे में आपको बताना। देखिए इसके बारे में न्यूज ये है कि इसका परिणाम आपको, देखिए जुलाई महीने में तो चांस नहीं है इसका, इसका परिणाम आपको अगस्त महीने में ज्यादा से ज्यादा चांस है। अगर कोई अपडेट होता है तो आपको और बता दिया जाएगा, लेकिन अभी तक की सूचनाओं के हिसाब से इसका परिणाम अगस्त तक जारी होने की संभावना है क्योंकि देखिए जेई एएसओ और मंडी का रिजल्ट जारी होना जून और जुलाई में। तो देखिए जून जुलाई में तो इन तीनों का रिजल्ट निकालना है इनको। ठीक है, तो उसके बाद ही इसका रिजल्ट जारी हो पाएगा वीडियो 18 का। ठीक है, तो अभी इसका फीडिंग वोडिंग का काम नहीं शुरू हुआ है, जब फीडिंग का काम शुरू होगा तो आपको और अच्छे से हम बता देंगे इसको, लेकिन अभी तक की जानकारी के हिसाब से आपको इसका रिजल्ट आपको क्योंकि फाइनल परिणाम होगा अगस्त माह में जारी होगा। ठीक है, कट ऑफ के बारे में आपको बता दिया था हमने पहले ही कि देखिए 202 कट ऑफ गई थी डीवी के लिए, उसमें 5 से 7 जोड़ लीजिए, 8 जोड़ लीजिए, मतलब 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जोड़ लीजिए, बहुत ज्यादा 3 तो बहुत ज्यादा बोल दिए, 2 5 6 नंबर ज्यादा ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन देखिए 5 6 7 नंबर बढ़ने की संभावना है क्योंकि देखिए लेखपाल के बहुत सारे अभ्यर्थी उन्होंने डीवी कराए हुए हैं, तो इसीलिए 5 7 नंबर बढ़ जाएगी, अगर नहीं कराया होता तो थोड़ा और कम बढ़ती। ठीक है, तो अभी मतलब कि उसमें इनवैलिड ट्रिपल सी वालों को भी नहीं निकाला गया, इसलिए नहीं निकाला गया क्योंकि देखिए अभी सबका डॉक्यूमेंट जमा कर लिया गया है, अब बाद में स्क्रूटनी करके उसमें से निकाला जाएगा लोगों को। ठीक है, तो उसका आप चिंता मत करिए, अगस्त में रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा। ठीक है, वीडियो वालों का। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट और डीवी कब होने वाला है। देखिए आपको बता होगा कि फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट इस सप्ताह में, अगर जो इस सप्ताह जो चल रहा है 21 तारीख वाला, इसमें आपको आना है क्योंकि इसलिए आना है क्योंकि देखिए आपका वन दरोगा का डीवी लगा हुआ है 21 तारीख से। ठीक है, वन दरोगा का डीवी जैसे ही खत्म होगा 21 से लेकर 29 मई तक खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आपका डीवी इसका लगेगा, फॉरेस्ट गार्ड का डीवी लगेगा। ठीक है, तो आपका इस सप्ताह में आपका फॉरेस्ट गार्ड वालों का रिजल्ट जारी हो जाएगा, आप लोग आश्वस्त रहिए। ठीक है, आपका रिजल्ट इस सप्ताह जारी हो जाएगा डीवी के लिए, और उसके बाद आपका डीवी जैसे ही बंदरों का डीवी खत्म होगा 2 3 दिन बाद आपका जून में डीवी लग जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए चिंतित मत रहिए, आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन था कि जेई 2024 में जो वैकेंसी आई हुई थी लगभग 4 या 5 हज़ार के करीब है, तो उसमें और पदों की बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी। देखिए अभी तक की सूचना के हिसाब से पदों में बढ़ोतरी कोई नहीं होने वाली है, अब जेई में जो भी बढ़ना था बढ़ चुका है। ठीक है, तो अब जेई में 2024 में पदों की बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग जैसे एक दो लोग कमेंट कर रहे थे कि बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो नहीं बढ़ने वाली नहीं है। ठीक है, नहीं, इसका आंसर है आपको नहीं, पद अब नहीं पद बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि पेट 2024 के, अब पहले हम बात कर लेते हैं कि पेट से 2023 पेट से और कौन सी वैकेंसी आ सकती है। देखिए अभी तक पता है कि आपको 6 वैकेंसी आ चुकी हैं पेट 2023 से, जो कि स्पेशल कैटेगरी की, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की, ड्रग एनालिस्ट मेडिसिन की है, ड्रग एनालिस्ट फूड की है, जेई की है, एजीटीए की है, और एक विज्ञापन और आया हुआ था जो कि स्पेशल कैटेगरी का ही था। 6 7 विज्ञापन आ चुके हैं, अब अगला वैकेंसी कौन आ सकते हैं। देखिए अभी हम पिछली वीडियो में आपको बताया था कि लोअर की वैकेंसी आ सकती है पेट 2023 से, लेकिन अभी अब संभावना के हिसाब से, नए अपडेट के हिसाब से कुछ संभावनाएं कम दिख रही हैं लोअर की वैकेंसी आने की। ठीक है, लेकिन एक चीज नया आपको मिला हुआ है, एक नया अपडेट आपको बताना चाह रहा हूँ कि पेट 2023 से सबसे ज्यादा प्रबल संभावना है किसी वैकेंसी आने की, तो लेखपाल की नई वैकेंसी है। ठीक है, लेखपाल की नई वैकेंसी आ सकती है पेट 2023 से, आप लोग उसको नोट करके रख दीजिए, ये नया अपडेट है, नया अपडेट है। लोअर की वैकेंसी भी आ सकती है, लेकिन एक नया अपडेट ये है कि लेखपाल की वैकेंसी पेट 2023 से आ सकती है। ठीक है, प्रबल संभावना है एकदम आने की। ठीक है, अब आए ना आए यूपी ट्रिपलसी जाने, लेकिन एक प्रबल संभावना है, मतलब कि ये मिला हुआ है न्यूज कि लेखपाल की वैकेंसी नेक्स्ट जैसे इलेक्शन बीतता है या एक दो महीना बाद आपको पेट 2023 से आने की संभावना लग रही है। वो अक्टूबर तक आए, नवंबर तक आए, क्योंकि वैलिडिटी तो पेट की है ही है ना अभी, तो 2023 की अगले साल तक, तो एक संभावना है पेट 2023 से आपको लेखपाल की वैकेंसी आने की। और लोअर की भी वैकेंसी आने की संभावना हो सकती है, छोटी है,
लेकिन अब देखिए दो तीन पद तो लोअर के निकले ही हैं इसमें, मतलब प्रिपेयर 2023 से, जो कि स्पेशल कैटेगरी थे। तो एक वैकेंसी, ये आपके लिए बहुत अच्छा अपडेट है कि लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है। अब आप बात करने वाले हैं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसका पैट 2023 खराब हो गया, अब वो क्या करें। देखिए आपको पैट 2024 तो देना ही चाहिए, क्योंकि देखिए आप पैट नहीं देंगे तो कोई अच्छी वैकेंसी आपको मिल नहीं पाएगी, आप किसी पेपर में मेंस में नहीं बैठ पाएंगे आप उत्तर प्रदेश में। तो आपको पैट 2024 के, अब सब लोग पूछ रहे हैं कि पैट 2024 कब आने वाला। देखिए पैट 2024 का नोटिफिकेशन आपको जुलाई लास्ट में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आप लोग अभी से तैयारी इसको करते रहिए, अच्छे से इसके टॉपिक देखिए, सारे टॉपिक का सिलेबस निकाल लीजिए और अच्छे से इसकी पढ़ाई करते रहिए। जुलाई लास्ट में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसका पेपर देखिए UPSSC और कोई पेपर कराए चाहे ना कराए, पैट का पेपर टाइम से कराती है, ठीक है। तो अक्टूबर में इसका पेपर भी हो जाएगा आपका, ठीक है, अक्टूबर में इसका पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा UPSSC संबंधित विभिन्न परीक्षाओं के अपडेट के बारे में, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे, ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ज्यादा लाइक करेंगे आप, ज्यादा ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ेंगे। अगर आप BPO की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जूनियर असिस्टेंट 5512 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में UPSSC संबंधित विभिन्न अपडेट के साथ। धन्यवाद।